अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली लवली सब्सक्राइबर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद उल जुहा स्पेशल, यानी कि बकरा ईद स्पेशल कलेजी कोरमा। जो पहली बार यूट्यूब पर ये रेसिपी शेयर हो रही है, तो मैं ले रही हूँ एक कुकर। मैं इसको कुकर में बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे प्याज मैंने इस तरीके से रफली चॉप किए है। मैं इसको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लूंगी। तो आप देख सकते हैं, बस इस तरीके से जरा सा इसको फ्राई करते रहेंगे और मैं इसमें एक चुटकी करीब यहाँ पर नमक ऐड करूंगी ताकि बहुत अच्छे से करारी हो और अच्छे से जल्दी से करारी सी हो जाए और पिंकिश, ज्यादा तेज हमें नहीं करनी है, बस इसी तरीके से पिंकिश कलर की हमें करके और इसको निकाल लेनी है और फैला कर हमें इसे रख देनी है। सारा एक्सेसिव ऑयल इसमें से निचोड़ के कुछ इस तरीके से। आपके पास अगर जाली वाला चम्मच नहीं है तो 2 चम्मच लीजिएगा और उससे इस तरीके से जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ इसी तरीके से प्रेस करके और फिर इसको प्लेट में अच्छे से खोल कर रख दीजिएगा ताकि अच्छे से करारी हो जाए, एक एक जो प्याज का रेशा है वो अच्छे से करारा हो जाए। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1/4 टीस्पून जीरा, 10 से 12 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगे, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इतना बड़ा टुकड़ा दालचीनी का और 2 छोटे तेज पत्ते, और इन्हें इस मसालों को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। ये अच्छे से फ्रेग्रेंस के लिए होते हैं और थोड़ा सा टेस्ट एनहांस करने के लिए होते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ इसमें से अच्छी नहीं लगती तो आप स्किप कर सकते हैं। 300 ग्राम मैंने कलेजी ली है और पीसेस थोड़े बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं हमारे यहाँ पर। आप चाहें तो अपने कन्वीनियंट जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। और इन्हें ऑयल में डाल के अच्छे से पहले मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगी ताकि इनकी रॉनेस निकल जाए। और 1 टेबल स्पून करीब भर के मैं डाल रही हूँ उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ भी हमें इसे अच्छे से भून लेना ताकि इसकी सभी रॉनेस निकल जाए। जब ऐसा रॉनेस निकल जाए तो 1 बड़े प्याज की पेस्ट बनाकर इसमें ऐड करना है और उसको भी अच्छे से पहले भूनते रहना है। हर चीज को हम पहले भूनेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम इनमें ऐड करेंगे। तो जब वो भुन जाए, प्याज जो है हमारी भुन जाए, तो उसमें 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ पर टमाटर के प्योरी ऐड कर दी है अपनी इस कलेजी में। अब ये भी अच्छे से भुन गई है तो मैं इसमें 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर लाल मिर्च। मिर्चें हमारे यहाँ कम पसंद करते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून डाला मैंने नमक। नमक और मिर्च दोनों अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करें, हमारे यहाँ हल्का खाया जाता है क्योंकि मैं बच्चों के लिए भी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे तेज मिर्चें पसंद नहीं करते हैं। तो 2 टेबल स्पून पानी डालकर मैं इसमें लगा दूंगी लिड, क्योंकि सभी चीजें मैं पहले से भून चुकी हूँ इसीलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अच्छे से लिड लगा देंगे और जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से टेंडर नहीं हो जाती। मेरी 4 से 5 मिनट से लगी थी, आप अपने प्रेशर या फिर अपनी फ्लेम के अकॉर्डिंग अपने आप गैस कर लें कि आपको कितनी देर इसको इस तरीके से पकाना है। तो अब इसको अच्छे से चला रही हूँ मैं और आपको दिखाती हूँ कि मेरी कलेजी के जो पीसेस हैं वो कितने अच्छे से टेंडर हो गए हैं। आप देखिएगा कितने अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। ये देखिए मैं कट करके दिखा रही हूँ तो जरा सा सन्ना फूक लगते ही माशाल्लाह से कितने अच्छे से ये पीसेस हो चुके हैं। तो चलिए अब अगले इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं इसमें। जैसे कि मैंने ये प्याज इस तरीके से मैश करके डालनी है इसमें, मैंने पहले से सुखा कर रखी हुई थी, भर के करारी हो चुकी है, अच्छे से मैश हो चुकी है, इसको ऐड कर देंगे। उसको अच्छे से ऐड करके भी थोड़ी सी देर भूनेंगे, बहुत अच्छे से भून लेना है हमें इसे। और फिर उसके बाद मैं इसमें एक फ्रेग्रेंस के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून करीब। इसमें मैंने धोई थी इसीलिए छन्नी में रखी हुई है, पहले मैंने धोई थी उसके बाद इसमें ऐड की है। ये है कसूरी मेथी। तो और इसमें मैं कोरमे के लिए डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून करीब मेलन सीड्स, 1/2 टेबल स्पून डाला है खसखस, 1 टेबल स्पून कोकोनट का पाउडर, और 4 से 5 मैंने लिए हैं काजू, और इसमें पानी 2 टेबल स्पून डालकर अच्छे से इनको पेस्ट बना लेना है। इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, जो हमारा जो कलेजी पक रही है इसी में ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको जब तक पकाएंगे अच्छे से, बिल्कुल ऑयल सेपरेट नहीं करती, जब तक हमें इसको अच्छे से भून लेना है। कलेजी हमें क्या भुनी भुनी ही अच्छी लगती है, चाहे वो सिंपल वाली कलेजी हो या फिर कोरमे वाली कलेजी हो। भूनते भूनते इसमें बिल्कुल ऑयल रिलीज हो जाएगा और इसमें जो मसाला है वो अच्छे से इस तरीके का हो जाएगा कि बोटियों पे लिपटा लिपटा सा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ऑयल रिलीज हो चुका है। तो आप
भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से इसी तरीके से इस कलेजी को इस बार बकरीद पर ट्राई करें। आई डेफिनेटली श्योर कि आप मुझे कमेंट करेंगे कि वाओ इतनी अच्छी कलेजी आपने पहले हमारे साथ शेयर क्यों नहीं की। तो आप भी इस ईद की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें इस ईद पर। इसे अच्छे से इसी तरीके से भून लेना है, खूब भूने, खूब अच्छे से भूने, दो दो टेबलस्पून पानी डालकर भूने। तो मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से कि कितने अच्छे से हमारा जो मसाला है दानेदार भून चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार, तो ये सिम्टम्स है एकदम परफेक्ट मसाला भूनने के। तो नाउ इट्स रेडी टू सर्व। आप इसको अपने तरीके से सर्व कर सकते हैं, किसी भी रोटी चावल या फिर रुमाली रोटी या चपाती या फिर तंदूरी रोटी या फिर घर की रोटी किसी के भी साथ इसको सर्व कर सकते हैं, सभी के साथ ये ऑसम लगने वाली है। और मैं इसको गार्निश कर रही हूँ हरी मिर्चों से। आप अपनी पसंद की किसी भी चीज़ जैसे हरा धनिया है, बारीक कटी हुई प्याज है, अदरक है, हरी मिर्चें हैं या फिर हरा धनिया, आप किसी भी चीज़ से इसको गार्निश करके खा सकते हैं, मिलाकर इसमें खाएं तो बहुत ही ऑसम और टेस्टी है, मेरी टिप है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में इस ईद पर ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगली बार किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।